ड्रॉपर ब्लड ट्रेकर में होते हैं देव में मार्च करते हैं तीन में तीन है ना वाकरे तीन पर है तो कर लो साले छः में पांच है अब ये वैसे ट्रेकर का भेजी जगह तो आटे तो थाट देना सही है छः में पांच हो गए हाँ वो दो अंडे वाले पराठे लगाना उनमें इसका लगना इसे अरे 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 एक ही सारा तो अलग चीनी ऊपर डाल एक चाय बगर मला ये तीन दूध पकती है Thank you.
हम
बोलते हो गए दो दे दिए छोड़े साढ़े साढ़े Oh.
बना के दो एक। बीस वाली है लगा, एक साठ वाली भी लगा। जब इसका पोस्ट खराब हो जाएगा, ये लीजिए। फ्रेंड क्या नाम आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई कितने टाइम से इंस्टॉल है आपका ये भाई? तकरीबन 45 से 50 साल पुराना है तकरीबन। माशाल्लाह इतना टाइम हो गया, 45-40 साल हो गए आपको। और उसके अलावा मुझे यहाँ का एड्रेस वगैरह बताएंगे? ये एड्रेस है भाई यहाँ का रंचो लाइन पूना भाई मामियाई टावर, मशहूर है सामने सितारा मार्केट गोश्त मार्केट है। और उसकी रायची की प्राइस वगैरह कितनी प्लेट की भाई? स्टॉल का जो है नाम है बिस्मिल्ला कलेजी पॉइंट, और कलेजी की जो प्राइस है भाई छोटी प्लेट एक जो है 60 रुपये की है, बड़ी प्लेट जो है दरमियानी प्लेट जो है अल्लाह ने की दे 100 रुपये की है, दरमियानी प्लेट जो है वो 120 रुपये की है। 120 रुपये की प्लेट है। प्योर कलेजी यूज़ करते हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
और स्पाइसेस वगैरह मतलब क्या एक मेन इंग्रेडिएंट्स डालते हैं आप इसमें जिसमें लोग मूनफली? भाई इसके अपने ज़ाती मसाले बनाए हुए होते हैं, बाहर से ख़रीद के कोई भी मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं होते। इसमें जो है अपना अदरक लहसुन हरी मिर्च गाजर वगैरह लौकी वगैरह इसके अंदर मिक्स करके हम अपने तरीके से बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जी, इसके अंदर अपने तरीके से बनाए हुआ होता है मसाला, और तकरीबन 40-45 साल से यही तरीके से मसाला बनाया जा रहा है। तो इससे पहले मतलब आपके वाली साहब बनाया करते थे, और उन्हीं का फार्मूला हम इस्तेमाल करके चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया फंदे जी भाई साहब। Thank you.
तो पहले बर्फ को वॉश भी करते हैं लोग। येलो कलर ऐड किया जा रहा है, ग्रीन कलर ऐड किया जा रहा है, इलायची। देसी घी ऐड करते हैं, देसी खानमस देसी घी।
तो इसका भी और बॉइल्ड बादाम ऐड किए। तो ये 20 किलो लौकी क्रश हो गई है। अब इसको भिगोने के लिए इसके रखा है ताकि काली ना हो जाए। तो ये 20 किलो लौकी को वॉश कर रहे सही तरह से और दो का जो है ना वो इस बर्तन में अलग कर रहे थे। कढ़ाई में जाएगा। अच्छा तो ये 20 किलो लौकी आ चुकी है वॉश होकर सही तरह से, अब ये जाएगी डायरेक्ट कढ़ाई में। येलो कलर ऐड किया जा रहा है, ग्रीन कलर ऐड किया जा रहा है। तो इन्होंने जो कलर डाला था येलो कलर और ग्रीन कलर, उसका पानी अलग करने के लिए इसको छाना गया है। इसका पानी जो है ना नीचे हो गया है और ये लौकी आ गई है ऊपर।
4 किलो चीनी है। इलायची आशिफ भाई कितनी देर के लिए रखेंगे इसको, कितनी देर पकाएंगे? 20 से 25 मिनट के लिए पकेगा। 20 से 25 मिनट पकेगा। अच्छी तरीके से पकेगी, फिर इसमें जब पानी इसी तरीके खुशक हो जाएगा फिर इसमें घी ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा भुना जाएगा 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये डेली तकरीबन 60 किलो बनाते हैं रोटी का हलवा, और लेकिन इनकी खास बात ये था ये 20-20 किलो करके बनाते हैं। अभी 20 किलो बन रहा है और 20-20 किलो करके दो बार और बनेगा, क्योंकि इसके लिए डिवाइड करके बनाते ताकि प्रॉपर पक जाए, बेक हो जाए, मेकिंग हो जाए इसकी। देसी घी ऐड करते हैं, देसी घी। तो घी डालने के बाद अभी 5 से 7 मिनट इसे भुना गया अच्छी तरीके से ताकि पानी वगैरह खुशक हो जाए। अब खुशक होने के बाद ये देख सकते हैं पानी एकदम ही खुशक हो गया है इसका। अब इसमें खोया ऐड करेंगे, अब सिर्फ खोया ऐड करना बाकी है ना। खोया ऐड करने के बाद ये हो जाएगा मुकम्मल। अब तो ये खोया बन के रेडी है। कितना क्यों आया होगा? तो 20 किलो हलवे में जो है ना 10 किलो खोया डाला है इन्होंने।
ये गिलास पार्सल कर। तो इसका भी और बॉइल बादाम ऐड किए, खोए की लेयर लगाइए और उसके बाद अशरफी और बॉइल बादाम से इसको डेकोरेट किए। गाजर का हलवा है, इसकी रेसिपी देखी कद्दू के हलवे की। ये अखरोट का हलवा है, ये दाल माश है।
आएगी भाई, आएगी तो सही, मगर पूरा बर्फ से नहीं भर रहा बात बता दो।